ओके सो नेक्स्ट हमें देखना है ओके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन कि रेट ऑफ अ रिएक्शन को ये जो रेट है वो रेट को रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं. कल मैंने एक ट्रिक बताई थी याद है क्या थी वो ट्रिक पीसीटी और सर पीटीसी ओके पीटीसी ऑफ एरिया पीटीसी एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट ओके हाँ हम लोग उसको पीसीसीटी कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं वो तो ट्रिक है ओके वो कुछ ऐसा लॉ नहीं है वो तो हमने याद रखने के लिए बोला है ओके सो से पीटीसी एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट तो एरिया ऑफ अ कैटालिस्ट तो क्या है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमारी प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है हमने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कितना सरफेस एरिया केमिकल रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ओके तो ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमने बोल दिया पीटीसी एंड एरिया ऑफ अ कैटालिस्ट याद रखने के लिए ओके तो प्रेशर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन कैटालिस्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ अ रिएक्टेंट डन ओके तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है चलो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर इन द केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर एंड द कैटालिस्ट आ गया एरिया नहीं आया लेकिन एरिया पे भी डिपेंडेंट है यहाँ पे बाकी सारे सेंटेंस बाकी सारी टर्म्स आ गई है डन ओके चलो तो उसमें ही फर्स्ट थिंग देखते हैं हम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन क्या डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ये देखते हैं ए वेरी इजी एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस तो वो तो पता ही है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा लोगे तो तुम्हें ज्यादा जैसे हमने बोला ना कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा होता है तो ज्यादा रेट मिलता है तो वही है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ओके सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज द रेट लॉ मतलब कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहे हो किस सेंस में दिखा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी में दिखा रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे रेट लॉ तो हम तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ही दिखाएंगे ना तो ही तो पता चलेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है या कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो ये जो हम दिखा रहे थे अब तक जो हम दिखा रहे थे उसी को क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं रेट लॉ ये इसी को क्या बोलते हैं हम रेट लॉ अंडरस्टूड पक्का तो इसमें कुछ भी नया नहीं है इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ ओके हाँ एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट इक्वेशन तो रेट लॉ को ही क्या बोलते हैं हम रेट इक्वेशन और उसको ही हम बोलते हैं क्या रेट एक्सप्रेशन क्योंकि तुम रेट का इक्वेशन है तो रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो रेट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो एंड रेट लॉ तो है ही ओके क्यों क्योंकि वो हमेशा लॉ है एक पर्टिकुलरली रिएक्टेंट कम ही होगा कभी रिएक्टेंट बढ़ेगा नहीं डन ओके सो दैट इज द केस डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है पता ही हमें कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो रेट स्टार्टिंग में ज्यादा मिलेगा फिर धीरे 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 हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जा रहा है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओके सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन वैसे हम बोल सकते हैं क्या स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा जितना कम कॉन्सेंट्रेशन उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम डन सिंपल था ओके ओके चलो तो दूसरा देखते हैं